चलिए फिलहाल आपको सीधा ले चलेंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। इस रास्ते पर चल रही है बीजेपी की आदत पड़ गई कि पूरे देश में जहां भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो बीजेपी सत्ता की ताकत के दम पर प्रयास करती है वोटों को इन्फ्लुएंस करने का। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। यही कारण है कि लगभग सभी विधायक जुट गए हैं यहां पर, जो नहीं आए कि यदि कोई बीमार है तो वो नहीं पहुंचे। तो ये तय हो गया है कि हमारी जीत 100% तय है। हमारे तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक जी और प्रमोद तिवारी जी जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ फरेब और धोखा और जो हॉर्स ट्रेडिंग की उनकी कोशिश है उसका अंत होगा। राजस्थान की जनता भी यही चाहती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिसके पास सीटें हैं वो जीत कर जाए, और वो जीत होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में सरकार ने पब्लिक वेलफेयर में और डेवलपमेंट में रिकॉर्ड कायम किया। यही कारण है कि कोरोना मैनेजमेंट में हम पूरे देश में नंबर वन रहे। आप खुद जानते हो, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब खुश है। कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का बजट स्पेशल आया और पूरे राजस्थान में जो हमने स्कीम्स दी उनका बड़ा सम्मान। किसानों में जीरो बिल आने लग गया 15 लाख से ज्यादा किसानों के। आम उपभोक्ता बहुत खुश है, बिजली के बिल माफ हो गए। जो हालात हुए, जीरो बिल आने लग गया 26 लाख उपभोक्ताओं के, बिजली के बिल कम आने लगे लोगों के, लोगों को पेंशन मिलती है, मेडिकल फ्री हो गया। ओवरऑल सरकार के काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन बीजेपी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। अब अपने आप को विपक्ष साबित करने के लिए बीजेपी ने जो शॉर्टकट ढूंढा है, राज्यसभा चुनाव के जरिए अपनी एंट्री दिखाना चाहती है राजस्थान में। क्या अपोजिशन भी कुछ है? लेकिन बीजेपी का हासिल वही होगा जो वल्लभ नगर के चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, बीजेपी जीत मानकर चल रही थी, आपको याद है, और दरियावद के चुनाव में तीसरे नंबर पर गई। वैसे ही बीजेपी यहां पर बहुत बुरी तरह से हारेगी। बीजेपी यदि अपने वोटों को भी एक जगह इकट्ठा रख लेगी तो मान लेंगे कि बीजेपी ने अपना बहुत बड़ा प्रयास काम कर दिया। जो कल तक ये कहते थे कि कांग्रेस अपने लोगों को इकट्ठा करके बाड़ेबंदी कर रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार जब वो यहां इतनी बड़ी बाड़ेबंदी करके बैठे तो राजस्थान की जनता को बताना चाहिए कि आप राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार लेकर आए, निर्दलीय उम्मीदवार, आप उनके प्रस्तावक बन गए और जिस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको अब इस दौरान कम से कम केंद्र सरकार के कामों का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने कितने काम किए, कितने वादे पूरे किए। हमने तो 80% वादे पूरे किए और वो रिपोर्ट कार्ड भी हमने हमारा जारी किया। ऐसे में केंद्र सरकार को भी अपना काम बताना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस का एक एक विधायक जो हमें निर्दलीय समर्थन दे रहे थे वो एकजुट है। आपको पता है आज सुबह बीटीपी के विधायक भी यहां पर आ गए और आकर उन्होंने समर्थन दे दिया। इसके बाद हमारा बहुमत 126 का आंकड़ा हमारा पहुंचेगा। तो आप ये मानकर चलिए 100% कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत तय है। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है, सुभाष चंद्रा जी को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के रूप में उन्हें लड़ा रही है। यदि वो खुद का उम्मीदवार भी घोषित कर देती तो भी क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन ये तय बात है कि उनमें इनर फाइटिंग में जो हॉर्स ट्रेडिंग वो इधर करना चाहते थे, मुझे लग रहा है उधर नहीं हो जाए तो यहां करते करते बीजेपी के अंदर ही हो जाए, उनको वोट मिल जाए। इसलिए आप ये मानकर चलिए ये यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि बीजेपी ने आज तक जितने भी प्रयास किए उनमें सफल रही है बीजेपी, क्योंकि इधर भी एक्सपीरियंस लोग हैं। पहले ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। प्रयास कर रहे हैं हम लोग करेंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है ना, हमारे पास तो इतना मैंडेट है। जरूरत उसको होती है जिसके पास वोट नहीं आता, वो हॉर्स ट्रेडिंग करता है। यदि आज उम्मीदवार ही खड़ा नहीं होता तो उनके जितने वोट है वो ले जाते हैं, हमारे हमारे जितने वोट है हम ले जाते हैं। आपको जो वोट मिलेगा आपके पक्ष में आएगा तो वो अंतरात्मा की आवाज है? नहीं, हमारे पक्ष में आएगा तो ये जो स्थिति बीजेपी वालों की तरफ से आएगा, वहाँ जो आपस में इनर फाइटिंग है वो इसीलिए तो ज्यादा चालू हो गई कि उन्होंने 5वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या क्या परिस्थितियां बनी हो तो देखते रहिए आप क्या क्या होता है। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। राजनीति में कोई भजन कीर्तन करने के लिए आए क्या? वाले जो आए तो काकड़ी डूंगी इतना बड़ा प्रकरण था, कई करोड़ों रुपए की संपत्ति को जला दिया गया, अब उसी चीज की फिर से जांच की बात की जा रही है, तो क्या पहले पुलिस ने सही जांच नहीं की जो इस बार आश्वासन देना पड़ा?
क्या पुलिस के ऊपर जांच पे भरोसा नहीं है? देखिए, राजस्थान में हमारे नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्तर पर जो वार्ता हो चुकी है और उसके बाद गृह राज्य मंत्री आकर आपके सामने बोल चुके हैं, उसके बाद उस पर जवाब देना बेकार। बलजीत यादव आपके, देखिए ये जहां तक निर्दलियों का सवाल है, लगभग निर्दलीय सब यहां पर आ चुके हैं और सब लोग एकजुट है, यूनाइट है। और ये आप मानकर चलिए कि इस राज्यसभा चुनाव से बीजेपी का जो मिथक है कि श्याम दाम दंड भेद कैसे भी हम कहीं पर भी राज्यसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वो मिथक टूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस ढंग से पूरा माहौल बनाती है, केंद्रीय मंत्रियों को भेजा है, राजस्थान में भी बाकी जगह भी केंद्रीय मंत्री आकर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि ये जो अभी इन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस भी, तो कांग्रेस के घर के अंदर घुसकर कोई तोड़फोड़ कर देगा और कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर देगा और कांग्रेस वाले बैठे बैठे देखते रहेंगे, तो राजनीति ये तो ना सिखाती है। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, तो वक्त के साथ आदमी को अपने हथियार निकालने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जो डिसीजन लेना है वो मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया और डिसाइड करके कैंप किया विधायकों का और कैंप करके और मैदान में उतरे। जब बीजेपी कोई षड्यंत्र करे और खुला षड्यंत्र करके नुकसान करने की कोशिश करे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी राजस्थान की जनता चाहती है कि सरकार में और हमारी सरकार मजबूती के साथ खड़ी रहे, मजबूती के साथ खड़ी होकर जवाब दे बीजेपी के हर षड्यंत्र का। ये जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं। चिंता मत करो, फिगर खूब है, जितना 126 का हमने दावा किया है ना, यहाँ तो जितने पहुंचने पहुंच गए। बाकी लोग भी कोई बीमार है, जैसे मोहनलाल जी शर्मा बीमार है, कोई किसी कारण से नहीं आ पाया, कोई चला गया फिर आ गया, कोई ऐसा कोई एडामेंसी तो है नहीं कि आप अंदर ही बैठे रहें, आना जाना चाहिए।